गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नंबर वर्क। बिफोर दैट आई हैव फ्यू मार्कर्स, सो हाउ कैन वी से हाउ मेनी मार्कर्स डू आई हैव। फॉर दैट हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 आई कैन से आई हैव 3 मार्कर्स। कैसे पता चला हमारे पास कितने मार्कर्स है, एज बिकॉज हमने इस मार्कर को काउंट किया। सो दैट इज नथिंग एल्स, वेन एवर वी आर यूजिंग द काउंटिंग एनीथिंग दैट इज नथिंग बट एल्स, वो क्या होता है, नंबर होता है। सो टिल नाउ वी आर वेरी मच फैमिलियर विद द 3 न्यूमरल्स। द फर्स्ट वन इंटरनेशनल न्यूमरल्स, जो अभी तक हम 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ते आए हैं। द सेकेंड देनावी न्यूमरल दैट इज नथिंग एल्स इन हिंदी, 1, 2, 3, 4 जो हम पढ़े हैं। एंड द लास्ट वन थर्ड वन इज रोमन न्यूमरल, व्हाट वी डन इन अवर प्रीवियस चैप्टर रोमन न्यूमरल। व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस न्यूमरल द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल विल बी द सेम, ओनली द फॉर्म विल गोइंग टू चेंज। एज आई सेड आई हैव दिस 3 मार्कर्स, सो इफ आई वॉन्ट टू राइट दैट 3 मार्कर्स सो इन इंग्लिश मीन्स इन इंटरनेशनल न्यूमरल आई वुड लाइक लाइक 3। द सेम थिंग इन देवनागरी न्यूमरल्स हम 3 लिखेंगे एंड रोमन आई हैव राइट लाइक 3 आर। सो द वैल्यू ऑफ ऑल दिस 3 न्यूमरल्स विल बी द सेम, इन तीनों का मतलब ही है मेरे पास 3 मार्कर है, बट ओनली द फॉर्म विल गोइंग टू चेंज। दिस वे वी कैन से द वैल्यू ऑफ न्यूमरल्स विल गोइंग टू चेंज बट द फॉर्म विल गोइंग टू चेंज एंड वैल्यू विल बी द सेम। हियर वी हैव इंटरनेशनल नंबर एज वेल एज देवनागरी नंबर। इंटरनेशनल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इन देवनागरी नंबर एज आई सेड दिस इज द हिंदी वन, व्हाट एवर वी यूज द हिंदी वर्ड फॉर काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स दैट इज हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एज आई सेड द वैल्यू ऑफ दिस न्यूमरल्स विल बी द सेम। अगर मैं कहूँ ये 5 और ये 5, दिस टू आर द सेम, जस्ट द फॉर्म विल गोइंग टू चेंज, द वैल्यू विल बी द सेम फॉर ईच एंड एवरी डिजिट। नाउ वी हैव दिस स्पेसिफिक नोट, हाउ वी कैन गेट द नेक्स्ट नंबर, हाउ आई कैन से कि 1 के बाद 2 आता है या फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आया, कहाँ से आया, how it comes, there is a rule for that. When we add 1 to a number we get next number। जब भी हम किसी previous number में किसी number में 1 को add करेंगे हमें next number मिल जाएगा। If I said ये मेरे right hand में कितने markers हैं, 2 markers, and if I added 1 into this so it will become 1, 2, 3 So, 2 के बाद क्या आ रहा है, 3। So, as I said, when we add 1 to any number, we get the next number. Now, proceed to one digit number. What is one digit number? One digit number is what? You can see over here, I am written in each and every box only one digit. Yes? So, take an example. Here, 7. Here we put 7. So, 7 is the unit, 7 is unit, one more box is remains, why should I write over here, 0, 0, 7 and that is the 10, why I have written 0 over here, the answer is here. Now, smallest number, whenever we are talking about the one digit smallest number, Can you say what is the one digit smallest number? क्या होगा एक digit का smallest number? 0? No. As I written over here, 0, 7. 0. The value of zero is considered only when it written on the right side. It written on the right side of an integer. अगर हम जीरो को किसी इंटीजर के राइट साइड में लिखेंगे तभी उसके वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, अदरवाइज इट हैव द वैल्यू जीरो ओनली, इट विल नॉट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
सो यहाँ पे हमने ये क्या लिखा है, जीरो लिखा है एट द लेफ्ट साइड. सो द वैल्यू ऑफ जीरो विल बी नील. तो जीरो सेवन मीन्स सेवन. सो फॉर दैट वी आर राइटिंग फ्रॉम वन टू नाइन वन डिजिट नंबर विद द टेंथ प्लेस जीरो. सो बिकॉज ऑफ दैट द स्मॉलेस्ट नंबर इज वन. स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज वन. वन मोर थिंग फॉर कॉमन यूज यू कैन से वी ऑलवेज स्टार्टिंग द काउंटिंग फ्रॉम वन नॉट जीरो. यस, हम किसी भी काउंटिंग को वन से स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ दैट द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज वन. द नेक्स्ट वन बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट वन डिजिट नंबर इज नाइन. यस, सो स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज वन, बिगेस्ट वन डिजिट नंबर इज नाइन. नेक्स्ट मूव अहेड. नाउ एज आई सेड आई टुक अ नंबर फॉर योर फाइव. यू कैन सी दिस फाइव इज अ वन डिजिट एंड द फर्स्ट वन स्टार्टेड फ्रॉम यूनिट. यस, यूनिट मीन्स हियर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फाइव दैट इज द यूनिट. द सेकेंड नंबर सिक्स, द सेकेंड नंबर सिक्स, सेकेंड प्लेस पे सिक्स लिखा हमने. आफ्टर यूनिट द टेंस, आफ्टर यूनिट टेंस एंड हियर वन. द नेक्स्ट स्टेप वन यूनिट टेंस देन कम हंड्रेड then 2, the next step is 2, unit, 10, 100, 1000, 2, 2 come at the next step, after 100, 1000, yes, take one more, 1, at the next step, that will become unit, 10, 100, 1000, then 10,000. That means after one digit, this is the one digit number. If I am talking about this 5, that is one digit number. 5, this will become two digit number. If I add this into three digit number, add this one four digit number. If I add this to four digit number. So we can say कि एक digit होता है, one digit होता है, तो we get only unit. If we have two digit, दो digit के साथ unit and tens, three digit unit, tens, hundreds, four digit unit, tens, hundred, thousands, five digit unit, tens, hundred, thousand and 10,000. Now, what is the use of that? If you want to read this number, how we can going to read? So this will going to help us to read this number. We have to start it from 5. So unit, 10, 100, 1000, 10,000. Always the value of 1000 and 10,000 will reading accordingly together. So 1 and 2 will become 12. 12,000. 12,000, 100, singly we have to read 100, 10s and unit will together we have to read 100, 6 and 5 become 65. This will going to help us how we can going to read the number and represent that number into the word. So this is the information of that how you are going to form the number till 5 digit. Let's move ahead. The same way the 2 digit number comes in the 2 digit as I learned. Unit and tens, 2 places will come. Take any numbers of 2 digit as per your own way. So I took 2 and 3. 2 and 3 become 23. Unit is 3, 10 is 2. So the smallest number of 2 digit, smallest number, the biggest number of the last previous digit, उसमें अगर हम 1 को plus कर देंगे, we'll get the next smallest digit number. So the biggest number, 1 digit number is 9. अगर इसमें 1 को plus करेंगे हम लोग, so 9 plus 1, we get the 10. 9 plus 1, we get 10. So therefore 10 is
द नथिंग बट ए स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट टू डिजिट नंबर इज 99. दिस वे वी कैन से. नेक्स्ट मूव अहेड, कम टू द थ्री डिजिट नंबर. थ्री डिजिट नंबर के पास आते हैं. एज वी लर्न, थ्री डिजिट नंबर में भी हमें यूनिट, टेन, हंड्रेड, 300, थ्री डिजिट नंबर में हम 100 तक जाएंगे. एंड नाउ हियर वी हैव द नंबर, टेक एनी नंबर, 103, यूनिट इज 3, 10 इज 0, 100 इज 1, सो नंबर विल बिकम 103. एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, द बिगेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट 99 प्लस 1, 99 प्लस 1 इट विल बिकम 100. एंड द बिगेस्ट नंबर 999. If you can see in the biggest number, in the first one I have 9, two digit biggest number 99, and three digit biggest number 999. So we can say जैसे जैसे डिजिट इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ 9 उसमें इंक्रीज होते जा रहा है. दैट इज वेरी इजीएस्ट वे टू रिमेंबर दैट. हमें वो याद रखने के लिए इजीएस्ट वे है कि किसी भी डिजिट का बिगेस्ट नंबर क्या होगा. जैसे जैसे डिजिट इंक्रीज होगा एक 9 उसमें ऐड होता जाएगा. नाउ कम फॉर द नेक्स्ट फोर डिजिट नंबर. इन द फोर डिजिट नंबर वी हैव यूनिक, 10, 100, 1000, टेक एनी नंबर, 4, 5, 3, 2. सो वी स्टार्टेड फ्रॉम 1000, 4532 द नंबर बिकम. The smallest four digit number, the biggest is 99 plus 1, it will become 1000. The smallest four digit number, the biggest four digit number is, as I said, in the last three digit we have the 39, in the four digit we have 49. So 9999. Now come for the next 5 digit number. 5 digit number, unit, 10, 100, 1000, 10,000. So 3, 2, 5, 3, 2. Write any number what you want. Again, as I said, 1000 or 10,000 को साथ में पढ़ेंगे. So it will become 32. 32,500 and unit 10 will become together. 32,532. So the smallest number, the biggest number is here 9,999 plus 1, it will become 10,000. Yes, and for the biggest number we increase 1 9. In the previous one we had 4 9, here 1 more 9 we are going to add, 99,999. So this way we learn how we can form, how we can form the 1 digit number, 2 digit number, 3 digit number, 4 digit number and 5 digit number, and also we learn how we are going to read the numbers. Now this is the homework for you all. Question number 1, write the numerals 1 to 100 in international numerals, Devanagari numerals, as well as in words. You have to write. For an example, I am reading over here. First column international numerals, second Devanagari numerals, then numbers in words like 1, 8 and spelling O-N-E, 1, 2, do, T-W-O-2. You have to carry forward till 100. The next concept we are going to learn in the next video. Thank you.